अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के उर्दू के रोशनी के बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वातरक के किनारे, जो कि एक अफसाना यानी कि कहानी है। ये चैप्टर एक अफसाना यानी कि कहानी है और इस कहानी को पहली बार पन्नालाल पटेल ने गुजराती भाषा में लिखा था। ठीक, यानी कि ये जो कहानी है एक गुजराती कहानी है। गुजराती भाषा में इस कहानी को कौन लिखे, तो पन्नालाल पटेल ने लिखे थे। ठीक, लेकिन इस गुजराती कहानी को गुजराती भाषा से उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया, तो वो थे मजहरुल हक अलवी। ठीक, तो याद रखिएगा वातरक के किनारे इस अफसाना के राइटर यानी कि मुसन्निफ तो हो गए पन्नालाल पटेल, जो कि इस अफसाना को गुजराती भाषा में लिखे थे, लेकिन गुजराती भाषा से उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने का काम मजहरुल हक ने किया, तो इसीलिए इनको आप मुतरजिम बोलेंगे यानी कि ट्रांसलेटर बोलेंगे। ठीक, तो दोनों का नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। और वैसे जब आप लोग रोशनी का बुक ओपन कर देखेंगे ना, तो चैप्टर नंबर 3 में ये जो वातरक के किनारे नाम का कहानी दी गई है, वो कहानी थोड़ी लंबी है, आप लोग खुद देख सकते हैं बुक ओपन करके। तो मैं इस कहानी को एकदम शॉर्ट कट करके आप लोगों को बताऊंगी, ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में भी आ जाए और एक भी पॉइंट ना छूटे। और जब आप लोग के एग्ज़ाम में चैप्टर 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ करना है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोग को कहानी एकदम शुरू से बताती हूँ। देखिए, इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है यानी कि मेन कैरेक्टर जिस पर ये कहानी लिखी गई है, वो है नौल। नौल नाम की एक लड़की रहती है। और देखिए, वातरक जो है एक नदी है, वातरक के किनारे यानी कि नदी के किनारे। देखिए, ये जो वातरक नदी है ना, ये गुजरात में है। तो ये कहानी जो है ना, वातरक के किनारे एक गांव बसा हुआ है, वहाँ की है। उस गांव में ज़्यादातर ठाकुरों का दबदबा रहता है। ठीक, ठाकुरों के पास राइफल्स वगैरह, मतलब ठाकुर जो है ना बहुत ज़्यादा बलवान भी होते हैं, एकदम हट्टे कट्टे होते हैं। तो उस गाँव में ज़्यादातर ठाकुरों का दबदबा, जहाँ पर भी देखो ठाकुर ठाकुर ठाकुर। ठीक, मतलब गरीब इंसान को जो है ना जीने नहीं देते हैं उस गांव में। ठीक, इतना ज़्यादा ठाकुर का दबदबा रहता है उस गांव में। ठीक, और उसी गांव में वो नौल नाम की लड़की रहती है अपने मौसा मौसी के यहाँ, और उसके मौसा मौसी जो रहते हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं। ठीक है, तो उनके नौल की जो मौसा मौसी है, वो नौल की शादी करा देते हैं, पहली शादी किसी लड़के से। ठीक, जब नौल की पहली शादी होती है और जब लड़का घर जमाई बनकर आता है नौल के यहाँ, घर जमाई मतलब समझते हैं, जब लड़की की शादी होती है जिस लड़के के घर, वो लड़का अगर लड़की ही के घर आकर रहने लगे, तो उसी को बोला जाता है घर जमाई। ठीक, तो नौल के मौसा मौसी जो है ना, नौल की पहली शादी करते हैं, और जो लड़का घर जमाई बनकर आता है उस गांव में रहता है, तो ठाकुरों को देख देख कर इतना ज़्यादा वो घबरा जाता है, डर जाता है कि नौल को छोड़कर भाग जाता है वो लड़का। मतलब ठाकुर इतना, मतलब उस गांव में ठाकुरों का दबदबा रहता है कि डर ही जाता है उसका हस्बैंड, पहला हस्बैंड नौल का, और नौल को छोड़कर भाग जाता है। ठीक, उसके बाद से नौल के मौसा मौसी फिर दूसरी शादी कराते हैं नौल की, लेकिन इसका जो दूसरा पति रहता है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा चाहता भी है, बहुत ज़्यादा इसका रिस्पेक्ट भी करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है। ठीक, तो हुआ ये कि एक दिन जो है ना, नौल बाज़ार से सामान खरीद कर अपने घर वापस लौट रही होती है, तो जितने भी ठाकुर रहते हैं बैठे रहते हैं, उसके बाद से उसमें एक मुखिया भी रहता है, वो नौल को छेड़ देते हैं लोग, बदतमीज़ी करते हैं लोग नौल के साथ। तो नौल चुपचाप रहती है और घर आकर ये सारा बात अपने घर वाले को, मौसा मौसी को बताती है। ठीक, जब नौल का पति ये सारा बात सुनता है, तो जैसे ही रात होता है ना, तो नौल का पति रात को और उसी मुखिया के घर जाकर रात को डायरेक्ट उस मुखिया का मर्डर ही कर देता है। लो भाई, अब यहाँ पर मर्डर करना कानूनन जुर्म है। ठीक, अब क्या हुआ, जब डायरेक्ट जाकर नौल का दूसरा जो पति है मुखिया का मर्डर ही कर दिया, तो अब नौल के पति पर केस ठुकाया, मतलब अब ये कानूनन जुर्म है किसी के घर जाकर डायरेक्ट मर्डर ही कर देना, ये तो भाई गलत बात है। तो अब केस चलने लगा। ठीक, पुलिस जो है ना नौल के पति, दूसरे पति को जो है ना पकड़ने के लिए, मतलब जेल लेकर जाने के लिए चारों तरफ नौल के पति को ढूंढने लगी कि आखिर कहाँ है कहाँ है। ठीक, और पुलिस पूरा मतलब छानबीन कर रही थी कि किधर है नौल का दूसरा पति, लेकिन नौल जो है ना अपने दूसरे पति को भगा दी रहती है। ठीक है, बोलती है कि आप जाइए जंगल में, चले जाइए कहीं दूर चले जाइए, नहीं तो आप अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी और आप लोगों को, आपको जेल जाना होगा। ठीक है, तो नौल के पति जो है वो जंगल में, नौल का जो पति है वो जंगल में भाग जाता है। ठीक, और पुलिस जो है ना ढूंढती रह जाती है, लेकिन नौल का पति नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन हाँ, पुलिस हर रोज़ आकर जो है ना नौल के यहाँ और उस गांव में हर रोज़ ढूंढा करती है कि आखिर तो एक ना एक दिन तो नौल का जो पति है वो मिलेगा ज़रूर। ठीक, और इस तरह रोज़ पुलिस ढूंढा करती है, लेकिन
नॉल जो है वो तो जंगल में चला गया रहता है, लेकिन हाँ हर रोज रात को जो है ना नॉल का पति आकर मिल लिया करता है नॉल से। एक दिन हुआ ये कि इसी तरह नॉल का जो पति है वो जंगल में से भेष बदल कर आया, अपना चेहरा चेंज कर पंडित का रूप लेकर आया, मूछ दाढ़ी वगैरह नकली लगाकर और पगड़ी पहनकर आया था नॉल से मिलने के लिए रात को, ठीक है। लेकिन नॉल जो है अपने पति को पहचान ही नहीं सकी, भाई वो पंडित का रूप लिया था, नकली मूछ दाढ़ी वगैरह लगाया था तो ये भी नहीं पहचान सकी अपनी पत्नी अपने पति को, ठीक। तो वो क्या किया नॉल का पति, वो मतलब अपना असली चेहरा दिखाने के लिए अपना सारा जो नकली मूछ था दाढ़ी था वो सब हटा दिया, पगड़ी वगैरह सब हटा दिया, ठीक है। और जैसे ही हटाया नॉल तो पहचान ली अपने पति को, लेकिन पुलिस आसपास ही घूम रही थी तब तक पुलिस जो है ना नॉल के पति को देख ली, और उसी वक्त जो है ना मतलब पुलिस नॉल के पति को पकड़ कर जेल लेकर चली गई, और बेचारी नॉल जो है अपने पति से जी भर के बातें भी नहीं कर पाई है। और यहीं पर हो जाती आप लोगों की कहानी पूरी तरीके से ख़त्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आगे की भी कहानी होगी, आगे तो कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग खुद बुक ओपन कर देखेंगे आप लोग को मालूम चल जाएगा, बस यहीं तक कहानी है। नॉल का पति चला जाता है जेल और नॉल बेचारी अपने पति से खुलकर जी भर के बातें भी नहीं कर पाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। बस यहीं पर आप लोग का कहानी का दी एंड हो जाता है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को पूरी कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कैसा लगा कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी कंफ्यूजन भी है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लें और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।